दोस्तों, हमारे देश में लोकसभा के इलेक्शंस ज़्यादा दूर नहीं हैं, और जब भी हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पर। हर बार इलेक्शंस के टाइम पे स्टॉक मार्केट की चाल बदल जाती है और जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो कुछ ना कुछ गलतियां कर जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिस्ट्री क्या बताती है हमें इस बारे में, और क्या हम इलेक्शन के टाइम पे मार्केट का ऊपर जाना या नीचे जाना प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित और स्वागत है आपका मार्केट बाजार्स में। तो दोस्तों, जब हम पीछे मुड़कर स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री को देखते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न नजर आता है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे स्टॉक मार्केट का जो बिहेवियर है वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। कभी तो मार्केट एकदम रॉकेट की तरह शूटअप करती है और कभी एकदम धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम 2004 से अगर 2019 तक के लोकसभा इलेक्शंस के पैटर्न को देखें तो मार्केट ने हर बार एक नया ही रंग दिखाया है, कभी खुशी कभी गम। 2004 में जब यूपीए गवर्नमेंट आई, इनिशियली मार्केट गिरा, और 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो इन्वेस्टर्स की पार्टी हो गई। तो अब सीधी सी बात यह है कि जब भी हमारे देश में कोई बड़ा पॉलिटिकल इवेंट होता है, जैसे कि इलेक्शंस, तो मार्केट में हलचल होती है। पर यह हलचल भी अलग अलग फेज में अलग अलग तरह से होती है, जैसे कि प्री इलेक्शन रैली। दोस्तों, ये एक कॉमन फिनोमेना है जहां इन्वेस्टर ये एक्सपेक्ट करता है कि जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो कोई ना कोई मार्केट फ्रेंडली पॉलिसीज लेकर आएगी। अब इस एंटिसिपेशन में इलेक्शन से पहले, गवर्नमेंट फॉर्म होने से पहले ही मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड शो करता है, और फिर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, पोस्ट इलेक्शन इफेक्ट। इलेक्शन के बाद अगर मार्केट को ये लगता है कि जो नई गवर्नमेंट है वो स्टेबल है और मार्केट फ्रेंडली पॉलिसीज को ला सकती है, तो मार्केट बुल रन पकड़ लेती है। फॉर एग्जाम्पल, जब ये क्लियर हुआ 2019 के इलेक्शंस के बाद कि मोदी गवर्नमेंट वापस आने वाली है, तो मार्केट ने एक पॉजिटिव रन शो किया। इन्वेस्टर्स को लगा कि अब इकोनॉमी ग्रो करेगी, और इसलिए उन्होंने मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा दिया, और इससे स्टॉक के प्राइसेस बढ़ते चले गए। लेकिन अगर रिजल्ट अनसर्टेन हो, या फिर मार्केट को ये लगता है कि जो भी नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो मार्केट के विरुद्ध काम करने वाली है या एंटी मार्केट पॉलिसीज को लेके आने वाली है, तो यही मार्केट जो पहले बुल रन की तरफ गई थी, डेफिनेटली वो बियर रन की तरफ चली जाती है, यानी कि मार्केट गिर जाती है, या आप सीधी तरह से कह सकते हैं कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ देखने को मिलती है वो होता है सेक्टोरियल इम्पैक्ट या सेक्टर स्पेसिफिक इम्पैक्ट। बड़ा सीधा सा मतलब है कि हर सेक्टर पे मार्केट के इलेक्शंस का असर पड़ता है। अब मान लो कि अगर इलेक्शन से ये कंफर्म होता है कि जो नई गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली है वो रिन्यूएबल सोर्सेज या इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाने वाली है, तो डेफिनेटली इन दोनों सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं वो भागेंगे। यहाँ तक कि डिफरेंट स्टेट्स के इलेक्शंस का भी अलग अलग इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ता है। जैसे कि किसी बड़े स्टेट में इलेक्शंस होते हैं जहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज्यादा है, तो वहां के लोकल बिजनेस और इंडस्ट्रीज पर इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लोकल लेवल पर भी चेंजेस देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करते हैं। दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अगर ओवरऑल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिलता है, और इसके उलट अगर सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं या लोग डरे हुए हैं तो डेफिनेटली मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है और स्टॉक प्राइजेस राइज नहीं करते, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कोई भी पैसा मार्केट में लगाने से डरता है। दोस्तों, अब इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स को मेजर करना थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन ये मार्केट के ट्रेंड को समझने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बॉटम लाइन ये है कि मार्केट में इलेक्शंस का इम्पैक्ट तो होता है, लेकिन ये प्रिडिक्ट कर पाना कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, ये थोड़ा चैलेंजिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो अब सवाल ये है कि इन्वेस्टर्स को इलेक्शन के टाइम पे क्या करना चाहिए। सिंपल सी बात है, स्मार्ट बनो, पैनिक नहीं। इलेक्शंस के टाइम पे मार्केट में वॉलेटिलिटी नॉर्मल है, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज है और ज्यादा कुछ नहीं। सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, मतलब डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो, ताकि नई गवर्नमेंट के आने से अगर एक सेक्टर डाउन होता भी है तो दूसरा सेक्टर आपके पोर्टफोलियो को कंपनसेट कर दे। दूसरा, मार्केट के ट्रेंड को क्लोजली फॉलो करो, पर ओवर रिएक्ट मत करो।
दोस्तों आखिर में यही कहना चाहूंगा कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आपको इन शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरीके की और इंसाइटफुल वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।